के बालों में बचपन से बहुत जुए थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूँ। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुए जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर के जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं? ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो सीमा, आकाश एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिने चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेंगे। पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है? अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी? सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। दो तीन दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में दो जुए चल रही हैं। जुए? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जुए चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या, पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुए पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नज़र सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुए हैं? छी 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 छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती है जुए किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुए नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए ना होती, तो माँ जी को यूँ अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूँगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवा कर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुए कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुए नहीं थी, उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी, आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।